हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में, और जानेंगे इसकी लाइक डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब ट्रेलर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैं यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज को भी यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज का भी नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, और साथ ही साथ अगर आपका एमएससी या पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो है एडमिशन रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन आउट होता है, तो मैं उसका भी यहाँ पे जो है लाइक वीडियो बना के डाल देता हूँ। इसके अलावा अगर आप सीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआई जेआरएफ की, गेट की, एसएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, या आप किसी बीएससी या एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका जो कंटेंट है वो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप उस कंटेंट को देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो हैं जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में भी मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। इसके अलावा जो बायोलॉजी कंटेंट से रिलेटेड जो भी जो भी कंटेंट है बायोलॉजी से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आया है, ये आया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। तो देखिए, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आया है नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्टेक्चुअल इंगेजमेंट ऑफ 52 प्रोजेक्ट पर्सनल फॉर रिवर डॉल्फिन प्रोजेक्ट एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, जो कि वन ऑफ द प्रीमियर नेशनल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो रिक्रूटमेंट का टाइम यहाँ मेंशन कर रखा है कि आपका जो 6 मंथ का इनिशियल रिक्रूटमेंट रहेगा, उसके बाद जो है वो बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस। ठीक, कैंडिडेट परफॉर्मेंस एंड द प्रोजेक्ट नीड्स, तो उसकी बेस पे जो आपका यहाँ पे जो आपका पोजीशन है उसको जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो आप देखिए, ये लाइक एंगेजमेंट पोजीशन क्या क्या है, तो वर्क डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन कर रखा है, और जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो पोजीशन है वो मेंशन कर रखा है, यानी 40 पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो अभी वर्क डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वर्क, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका एमएससी होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंसेस में, वाइल्ड लाइफ फिशरीज फॉरेस्ट्री एनवायरमेंटल बॉटनी जियोलॉजी जियो इन्फॉर्मेटिक्स बायोडाइवर्सिटी या किसी भी लाइफ साइंस एरिया में, या आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पर देखिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो मेंशन कर रखा है वो आपका एप्टीट्यूड फॉर फील्ड वर्क, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन इक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एमएस ऑफिस, गुड ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, और एमोलूमेंट्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो 31+ दिया जाएगा, प्लस आपका जो है अदर इमोलूमेंट्स होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एचआरए भी दिया जाएगा। ठीक है, तो एचआरए प्लस आपका जो स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए, और ड्यूरेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है 6 मंथ। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट की 40 है, तो देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो टोटल पोजिशन इन्होंने मेंशन कर रखी है वो आपकी है 40 पोजिशन। ठीक है, तो 40 पोजिशन यहाँ पे इन्होंने निकाली है। इसके अलावा दूसरी जो पोजिशन है वो आपकी इंगेजमेंट पोजिशन है, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजिशन है यहाँ पे, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, क्लियर। तो इसकी पोजीशन है 12, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन को निकाला गया। तो देखिए, यहाँ वर्क डिस्क्रिप्शन जो है आपका यहाँ पे दे रखा है, तो अगर आपको वर्क पसंद आता तो आप जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बीएससी होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंसेस में, वाइल्ड लाइफ फिशरीज में, फॉरेस्ट्री में, एनवायरमेंटल बॉटनी में, एनवायरमेंट में या बॉटनी में, जूलॉजी जियो इन्फॉर्मेटिक्स या किसी भी लाइफ साइंस में, अगर आपने जो है आपका बीएससी डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीआईवाई क्वालिफिकेशन आपकी एप्टीट्यूड फॉर फील्ड वर्क, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एमोलमेंट आपको 15% दिया जाएगा, प्लस आपका एचआरए, तो प्लस एचआरए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका 15,000 होगा स्टाइपेंड रहेगा, सैलरी रहेगी, उसके अलावा आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अगर हम बात करें एज की, तो एज यहाँ पे 35 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, 35 से कम होनी चाहिए, और आपका भी जो ड्यूरेशन रहेगा वो 6 मंथ रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 40 पोजीशन आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट की है और 12 पोजीशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, टोटल आपकी यहाँ 52 पोजीशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका रहेगा, सिलेक्शन फॉर पोजिशन सीएल नंबर ए टू बी विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाई पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 1 आवर एंड कंप्राइज ऑफ अ मिनिमम 300 वर्ड एसे बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ इकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी एंड रिलेवेंट कंजर्वेशन इशू।
द कैंडिडेट डेट क्वालिफाइड रिटर्न ऐसे विल नोटिफाई थ्रू आवर वेबसाइट एंड ईमेल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो आपको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट आपको देना है। रिटर्न टेस्ट देने के बाद अगर आपका शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल के थ्रू जो है आपको यहाँ पर्सनल इंटरव्यू के लिए बता दिया जाएगा। ऑल अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉर नेसेसरी वेरीफिकेशन। तो आपको जो है जब आप जो है अपॉइंटमेंट या आप जब लाइक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड ओनली अ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो यहाँ पे देखिए जो रिटर्न एसे रहेगा, ठीक है, तो रिटर्न एसे के बेस पे अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे जो है मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन जो करेगा वो इंटरव्यू कमिटी आपका करेगा। तो देखिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने अभी मेंशन कर रखा, तो आप अगर जो है पढ़ सकते हैं। जैसे एज लेते हैं जो भी लाइक रिलैक्सेशन है वो भी अभी मेंशन कर रखा है। तो जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अगर आप वुमेन्स हैं तो आपको जो है यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये एक कॉमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली तो ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म दे रखा है, इसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे इसका फॉर्म जो है आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे और अपना फॉर्म को फिलअप करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट है वो 25 अगस्त है, यानी 25 अगस्त स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग 9 o'clock से, और जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर लाइक शाम 5:30 PM तक रहेगा। ठीक है, विच इज द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द लेटेस्ट अपडेट ऑन लाइक WII's वेबसाइट। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर देयर पर्सनल एजुकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रोफाइल ऑनलाइन बेस्ड अपलोडिंग रिसर्च पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मैं फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करनी जो कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट मैंशन द प्रोजेक्ट पोजिशन अप्लाइड फॉर देयर एप्लीकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप क्लियरली जो है वो मैंशन करिए। अब देखिए एस से एग्जाम का जो डेट है वो भी इन्होंने मैंशन कर रखा है, तो 7 सितंबर @10:30 AM पे जो है आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, और जो डिटेल्स आपका है रिगार्डिंग द एस से एग्जाम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो 7 सितंबर को आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, तो आपको एस से एग्जाम से रिलेटेड जो भी यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सारी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर्म को जो फिलअप कर सकते हैं, आप जैसे आप इसके डाउनलोड करेंगे तो आप ये फॉर्म इन्होंने मैंशन कर रखा है तो इस पर आप जो जाके फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।